सोहिल जी आप अपने सवालों के साथ रेडी? कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? सो नव जी, मेरे पास बहुत सारे So from मुझे स्टेज पे मत बुलाना to मुझसे सवाल मत पूछना now he has come to मुझे माइक की ही जरूरत नहीं है अब बुलंद आवाज कौन बोला माइक चाहिए अच्छा विनस इधर टाइम्स भी है भाई अच्छा तो सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से लेके फिर द मैन हु मेड मी फिल्म डायरेक्टर इज हियर मतलब एक एक शख्स जब गैप आया तो राधिका जी Who made 90 film with me, जिनको बेस्ट उनका अवार्ड मिला और दादा साहब फाल्के ट्रॉफी हमको मिली थैंक यू राधिका जी मतलब अगर मैं से नाम लूंगा नॉन स्टॉप जो सपोर्ट है आप लोगों का वो अनबिलीवेबल है A man, आशु जी शेरा भाई मतलब आप सभी अगर मैं नाम लूंगा आप जस्ट इमेजिन करिए भाई कि मैंने सिर्फ एक कॉल किया और यूएसए से इंडिया आए So, इस सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता यूनाइटेड वी स्टैंड यूनाइटेड वी विल वेरी सिंपल जो ये कह रही थी और अब मेरे बारे में तो ज्यादा क्या बोलूं तो आप लोगों ने देख लिया सुन लिया ये मेरे बारे में बोलती जा रही है इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अपनी क्लासेस में एक लाइन पढ़ाता हूं आई एम पॉसिबल सो मैं ढूंढता था कि यार ये ऐसे लोग मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं किताबों में बाबू जी या ऐसे लोग रियल में भी मिलेंगे सेकेंड ऑफ अप्रैल हम मिले सर आपको पता ही था वो पूरे टाइम सेकेंड ऑफ अप्रैल हम मिले शाम को बात हुई कि यार ऐसे इंटरनेशनल एक फिल्म स्कूल खोला जाए थर्ड अप्रैल तक रात को और दोनों ने डिसीजन लिया बाबूजी की करते हैं यार अप्रैल सेकेंड अप्रैल थर्ड अप्रैल लोकेशन लॉक्ड फोर्थ अप्रैल ये लोग दोनों अपना घर भूल गए जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये बहुत जल्दी शहीद होने वाले हैं शादी होने वाली है तो मतलब उस समय से चुरा कर लाना और रेत में आरामनगर में बैठना सो एक मुझे मिला ये है आई एम और दूसरा है पॉसिबल जिसको मैं ढूंढता था जरीना जी कि कोई यार मिले आई एम पॉसिबल मैं सिखाता हूं बट ये दो लड़के वही हैं जो आई एम पॉसिबल बाबू जी 20 दिन में जब हम गए तो मैंने मेरे कजिन को भेजा देव को उसने कहा जाके कि सर आरामनगर पूरा फुल है एक खंडर है करेक्ट किरण उसको खंडर ही बोलते थे आप लोग वो किरण है और बिल्कुल भाई किधर पे हाँ यस सो बोलते थे कि वो एक जगह है और थैंक यू बिल्कुल भाई फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट हमने उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया आज एक घर 2 महीने में नहीं बना और इन्होंने दोनों ने मिलकर डे नाइट वहीं सोना रेत में वहीं रहना और इन्होंने वो टाइम से पहले पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्कूल खड़ा कर दिया जिसके लिए मैं गौरी प्लीज कम देखिए ये है यंग एनर्जी गौरी ऑन बोर्ड आई 3D डायमेंशंस के साथ आई कम गौरी ये है हमारी जितना आप लोगों ने देखा है इंटीरियर डिजाइनर
जिसे हम प्यार से टाई भी कहते हैं, और डे नाइट वॉक करके और वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल स्कूल बना दिया। सो मेरी तरफ से गौरी क्या चीज तुम्हें लगी, सॉरी मैं आपकी जगह ले रहा हूँ, मैंने कहा था मैं बोलूंगा नहीं तो मैं हाँ नहीं कैसे बोलूँ भंगार वाले के पास ले गई, भंगार वाले से चेयर खरीदनी है, कभी पता नहीं कहाँ ले गए, हाँ चल चलता ही जाएंगे अपन, क्या क्या सीख, अच्छा एक 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 चेयर 40,000 की तरह, अब फीस बढ़ानी पड़ेगी। सो और कुछ बोलना? सो ये यंग एनर्जी ने ये इंटरनेशनल स्कूल खड़ा किया, और फिर मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब दो चार बात और प्रोग्राम बहुत बढ़ेगा, रुकना पड़ेगा। अभी चले तो नहीं, ये वाले सवाल आपके लिए नहीं है, ये आपके आपसे जुड़े हैं पर इन सभी लोगों के लिए है। और क्विकली वी हैव गॉट ओनली 5 क्वेश्चंस, और जो भी ये इन सवालों का सही जवाब देगा उसके लिए हमारे पास गिफ्ट्स हैं और माइक भी है। सो यू हैव टू रेज योर हैंड, सारे एक साथ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप कि आपने नव जी का शो रील बहुत ध्यान से देखा होगा, और आपको वो पहले प्रोजेक्ट का नाम बताना है जिससे नव जी जुड़े थे, उसमें नव जी एसोसिएट डायरेक्टर थे। और आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसमें जो एक्टर्स थे वो उतने ही पॉपुलर हुए जितना कि इस फिल्म का कबूतर, इतने सारे लोगों का सही जवाब। सो इसलिए ओके, हु इज कीपिंग एन आई कि गिफ्ट किसको जाना चाहिए, यू हैव टू गेट मल्टीपल करेक्ट आंसर्स की गिफ्ट मिले। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें नव जी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लस राइटर थे, और ये जो फिल्म है ये रिश्तों के बारे में है, पर पूरी फिल्म में लगातार एक ही सवाल रहा कि हम आपके हैं। मैंने कौन नाम बता दिया? Please cancel this question. We'll cancel this question. This shows कि मैं कितना involved रही हूँ इसमें. Okay, let's cancel this question. This is a very important question. तो ये फिल्म का नाम जो बताएगा, I'll take them as a villain. Okay? And you can't, you have to raise your hand and answer. ठीक है? ये जो फिल्म है, इसमें it was the first film जिसको राजू जी ने as a राइटर डायरेक्टर स्क्रीन प्ले। तो जी सर आपको आपको कोई शिकायत है? सर आपको कोई शिकायत है? नहीं, आप जवाब बताने वाले थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये एक फिल्म की सीरीज है जिसमें हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और ये फिल्म सीरीज में आई थी, और उसमें नव जी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर थे। करेक्ट बच्चों की सवाल फिक्स है सर, मैच फिक्स है सर, आपने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया सर, आप सर आपने भी हम आपके हैं कौन ही बोला होगा, वो मैं नहीं बोला। चलिए आप एक चीज ऐसी बता, आप एक सवाल पूछ लीजिए नव जी के बारे में, आप बताए एक क्वेश्चन, आप बताए कोई है कोई फिल्म जिससे नव जी जुड़े हैं, जल्दी बताइए। हाँ एक एक फिल्म आप लोगों से पूछ सकते हैं जिससे, अच्छा सवाल पूछ लीजिए सर, माइक ऑल योर्स। आपके बचपन के दोस्त हैं? सवालों से पता चल रहा है। ओके वी हैव गॉट अ विनर,
I know who is the winner, sir, in red t-shirt. Sir, please get up. He's the winner because he answered everything correctly. And he'll get a... ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये अपनी एकेडमी से कनेक्टेड हैं और बहुत सारा कोरोना के समय सोशल वर्क इन्होंने किया. आप अपना परिचय थोड़ा. थैंक यू सो मच सर. और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार भी कहूँ. मेरा नाम अमजद कुरैशी है और मैं एज ए एक्टर हूँ. 13 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं. मैं निमाड़ के छोटे से गांव से हूँ, निमाड़ी, जहाँ पे 5-6 हज़ार लोगों की ही आबादी है. बाकी 13 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, थिएटर कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैंने वेलकम बैक किया है. नो एंट्री और ड्रीम गर्ल की साउथ की फिल्म मेरी फिल्म ऑस्कर भी गई है. बाकी मैं आपको मेरे बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार करता हूँ और कई सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. बाकी बस इतना ही बोलूँगा. बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर. वैसे सर मुझे लगता है स्ट्रगल नहीं कर रहे आप, सब कर रहे हो टू बी अ ब्लॉसम्ड एक्टर. ठीक है, तो नव जी अब हम क्विकली क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और उसके बाद तुरंत वो जो अमेजिंग सरप्राइज परफॉर्मेंस जो आपने सबके लिए रेडी किया है उसके बारे में. सो आई विल हैव अ क्वेश्चन सेशन. तब तक आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्टेज. फिर एक जो है वो थिएटर की तरफ चली जाती है, एक फिल्मों की तरफ आ जाती है. सो इसलिए ये नाम रखा गया. आई थिंक एक क्वेश्चन जो सभी कोई जानना चाहता होगा कि मुंबई में वैसे कोई क्लैप ही नहीं कर रहा प्रोग्राम के लिए. कई बार लोग प्रोसेस करने लगते हैं, कई बार अगर हम कोई नई बात सुनते हैं कुछ अलग सुनते हैं तो प्रोसेस करने लगते हैं. तो कई बार इसलिए भी तालियों की तालियों की अब नाव जी को शिकायत नहीं होनी चाहिए. अरे मैं कह रहा हूँ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं. वो तेरे पीछे वाले कैमरे में लगे हो. अरे इंटरेस्टेड. अच्छा मेरे को बताओ लास्ट लाइन मैंने क्या बोली थी. कौन बोलेगा मैंने लास्ट लाइन क्या बोली. क्लैप क्लैप मत बजाने का पॉलिटिक्स. वैसे सही जवाब है. किसने बोला ये? That answer is right. सोहेल भाई. रास्ते वाली बात की है सर ने. कहा जी everybody is listening नवजी. So quickly we have only 2 more questions नवजी. एक आपने देश के जो सबसे बड़े superstars हैं उनके साथ आपने काम किया है. अभी भी कर रहा हूँ. अभी भी आप कर रहे हैं. You been part of cinema और इस देश में जो हमारे cinema के कुछ जो सबसे बड़ी superhits हैं आप उसकी film making का हिस्सा बने. Now you are part of making superstars. तो जब मैं नवजी से मिली थी तो नवजी ने एक बात कही थी कि अगर आप अपने रूट से नहीं जुड़े हैं, अगर आपसे आपकी मिट्टी की खुशबू नहीं आती तो बड़ी कम चांसेस होते हैं कि आप लंबा टिके. ऐसे को कुछ क्विकली अगर आपको बताना हो कि वो क्या चीज़ें हैं दैट यू आर लुकिंग इनटू पीपल और आप कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें तराशें आप एस्पायरिंग एक्टर्स में, वो क्या होंगे. सर माइक पर बोले. अभी आ रही आवाज. मैंने एक फिल्म बनाई थी चोट. तो पहले कमर्शियल सिनेमा में थे, मतलब नहीं सर. गुड क्वेश्चन माइक पे बोला था. हाँ भाई भाई के साथ, मतलब सब कुछ भाई का अपना स्टाइल, मतलब पता है ना. मुझे लगा यार एक फिल्म ऐसी भी बनाई जाए जो लेस देन 1 करोड़ हो और जिसमें नो लाइट्स, नो मेकअप, नो ऐसा हो. तो वो भी एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि इट्स माई फर्स्ट जनरेशन इन दिस इंडस्ट्री. सो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए. सो मैंने एनएसडी से करीब 43 एक्टर्स को ऑडिशन किया और हमने चोर फिल्म बनाया. शूटिंग शुरू हुई पर रिटेक्स बहुत होने लगे. इतना वेरी था, नेगेटिव था और एक बजट है. राजश्री प्रोडक्शन में हमको क्या सिखाया गया कि फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होती, उसकी इकोनॉमी फ्लॉप होती है, बजट फ्लॉप होता है तब ये फिल्म फ्लॉप होती है. तो मुझे लगा यार ये तो नहीं चलेगा. एक सिंपल शॉट के लिए जब मैं एक एक्टर से बोलता हूँ कि ये ट्रॉली चलेगी तो इसके साथ चलेगा और डेढ़ कदम के में लाइट फेस करेगा, लाइट फेस करके टर्न करके बोलेगा कि तो तबेला नहीं खाली करा सकता. समझा कि सिंपल सा टेक क्यों 7-8-10 बार होता है. फिर पता चला यार इनको बॉलीवुड एक्टिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है कि कैसे आप लाइट फेस करोगे, कैमरे के ट्रॉली के साथ कैसे मूवमेंट करोगे, डबिंग कैसे होगा, एडिटिंग होती है. तो मुझे लगा कि ये लोग तो एक सीन को, चाहे सीन के कितने भी भाग हों, उसको एक ही बार में परफॉर्म करते हैं.
पर फिल्म की एक्टिंग एक सीन, अगर एक बेटा अपनी माँ के लिए मेडिसिन लेने गया है तो ये एक पार्ट, एक सीन, एक सीक्वेंस हो सकता है कि एक डायरेक्टर 6 महीने में कंप्लीट करे। पहले घर का सेट लगे, स्ट्रीट का सेट लगे, और कोई इतना रियलिस्टिक डायरेक्टर हो बोले कि मुझे रियल बारिश में ही शूट करना है, तो बोलेगा सर रुके ना, जुलाई में शूट करेंगे। बट आपको अपने आप का अपना माइंड सेट, 6 महीने तक वो सीन पे रहना, सेम जैसे भाई अभी तक वैसे ये डोले शोले ये वो सब मेंटेन रखना, अपना माइंड सेट मेंटेन रखना एक सीन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। सो ये बात बाबूजी जब चल रही थी ना माइंड में कि नहीं यार मुझे काम करना पड़ेगा कि बॉलीवुड एक्टिंग सीखो, जब मुंबई में आए हो आप तो मछुआरे को कहां देखते हो, समुद्र में देखते हो, किसान को कहां देखते हो, खेत में देखते हो। तो जो फिल्मों में एक्टिंग करने आता है उस यूथ को सेट पे होना चाहिए, उसे डबिंग में, एडिटिंग में, राइटिंग में वहां होना चाहिए, न कि सीसीटी और वो क्या सीसीटी और वहां पर होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो पढ़ाई भी, जो काउंसलिंग भी करे, जिसमें डॉक्टर्स भी हो। इसीलिए आज मैं बता रहा हूँ हमारे बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं जो हमारे काउंसलिंग बोर्ड के चीफ हैं, जो हमारे यहाँ पर मुंबई के टॉप साइकेट्रिस्ट भी हैं। और मैंने खास करके 2 मेहमानों को आज बुलाया, एक तो मेरे लिए स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आई जरीना जी, और दूसरी संगीता जी जो अपनी एक्स कमिश्नर हैं। आपको बुलाने का मैं मतलब ये था कि आप इतनी संगठना के लिए काम करती हैं, पूरे मुंबई को आपने जोड़ रखा है, सो यही आपसे आगे के लिए भी सपोर्ट लगेगा मैम, जब हमें हमारे आने वाले एक्टर्स के लिए काउंसलिंग करनी होगी तो आपके कुछ लोग हमको लगेंगे। सो ये सारा विजन देखकर कामिनी जी, ये चीज आप पहले भी सुन चुकी हैं कि हमें प्रसाइसली, आप अगर आए हैं बॉलीवुड के लिए तो बॉलीवुड की ही एक्टिंग सीखिए। थिएटर आपकी रीढ़ की हड्डी हो सकती है, रीढ़ हो सकती है, कि थिएटर के बिना कुछ नहीं है, पर थिएटर से आगे जाने के बाद आपको फिल्म एक्टिंग के बारे में भी जानना चाहिए। तो हमने कहा कि हम प्रसाइसली हम बॉलीवुड एक्टिंग ही सिखाएंगे। तो हमारे 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के कोर्स में हम 10 दिन पहले हम एक्टिंग के बारे में बताते हैं कि एक्टिंग क्या, रिएक्टिंग पूरी दुनिया तो बोलती है कि वो क्या चीज बोलती है कि क्या है एक्टिंग इज रिएक्टिंग, पूरी दुनिया में अलग अलग लोग बताते हैं। पर मैं कहता हूं अगर आपके चेहरे पे वो जो खेल आप खेल रहे हैं उसके सच्चे भाव है ना, उससे अच्छी कोई भी एक्टिंग नहीं है। दादा कोंडके जी मुझे बताएंगे कौन से इंस्टीट्यूट गए होंगे, आई होप आप लोग सब दादा कोंडके जी का नाम जानते हैं। मैं राइट और रॉन्ग, आप बस सच्चाई ले आइए चेहरे पे। सो इस तरह की बहुत सारी बातें, आप लोग थोड़ा पैसा खर्च करिए, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, वैसे बनाने में बहुत पैसे लगे, सो आप लोग आइए, बाकी की चीज आप लोगों को वहां से ला दी जाएगी। आई होप आप लोगों ने नवजी का ये आंसर ध्यान से सुना होगा क्योंकि वो अभी अपने सारे आंसर्स कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। सब कुछ CISFG ये वो, फिर जब मैं गए लॉन्च में बैठे थे मैंने सब कुछ कैसे बोले, 1% शेरा है मेरी तरफ से, उनका आशीर्वाद है जिसकी तरफ से मैं सब करता हूँ, और सब लोग मुझे जानते हैं। In our country, जहाँ पे हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, Mr. Sheeraya has proved one thing. अगर आप कोई भी काम करें, you do it with all sincerity and loyalty, you will be a celebrity. People will look up to you, no matter what job or profession you do. So a huge round of applause for Mr. Sheeraya. Thank you being with me. अच्छा दोस्तों अभी क्या है
मेरा मोबाइल बस हो गया तो पीछे यार सर लुकिया लुकिया मैं बहुत खुश हूँ ये होली उम्र जो स्कूल शुरू हो रहा है क्योंकि जब जहाँ जाता हूँ जैसे मैं जिम जाता हूँ वर्कआउट करता हूँ वहाँ भी काफ़ी लोग जो बाहर से आए हुए हैं लड़के लड़कियाँ वर्कआउट करने आते हैं हर एक में टैलेंट है लेकिन हर एक को एक टैलेंट बाहर आने के लिए कोई स्कूल या कोई गुरु की जरूरत है तो मेरे हिसाब से ये जो स्कूल खुला है काफ़ी हेल्प करेगा इनको उनका टैलेंट बाहर लाने में और हर एक को आजकल आपको पता है जैसे कि वेबसाइट वगैरह वेब सीरीज वगैरह और ये OTT प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी लोग नए नए चेहरे देखने मिलते हैं तो सबको मौका मिलेगा आपसे पर्सनैलिटी को दिखाने में और ताज़ा कि सलमान भाई भी मतलब हमेशा नए टैलेंट को मौका देते तो इस जो एक्टिंग स्कूल है वहाँ से भी कई सारे टैलेंट देखने मिलेंगे देखो आजकल आज की तारीख में जो बच्चे आते हैं जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं सब एक अपने रोल के लिए ऑडिशन देते हैं और जो ऑडिशन में अच्छा करता है उससे जरूर मौका मिलता है उससे जरूर चांस मिलता है और सलमान भाई के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है नाम सर की क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े हुए और मतलब एक बहुत ही खास आज आपको जैसे पता है कि भाई की बॉन्डिंग अगर किसी से अच्छी होती है तो हर पिक्चर में आप देख ही रहे विलन असिस्टेंट और वर्किंग ऑन द सेट एंड इज देयर विद एवरीबॉडी सबके साथ है आपका बेटा भी जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं हमें जल्दी शुरू होगी पिक्चर मैं भी वेट कर रहा हूँ कब शुरू होती है और जैसे शुरू होगी तो मैंने सबसे सलमान भाई मालिक भी आप सबको न्यूज दे आज दिल से मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अपना भाई नवकुमार राजू जिनके साथ मुझे याद है कि मुझे एक मौका मिल रहा था अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई पर एक वक्त ऐसा था कि हम दोनों मिलकर काम करने वाले थे ये मेरे डायरेक्टर होने वाले थे मैं इनका कलाकार होने वाला था वो समय फिर आने वाला है पर आज सच्ची मैं सालों के बाद राजू भाई को मिल रहा हूँ मगर तरक्की देखते हुए एज अ ब्रदर दोस्त कलाकार बहुत दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई हिज क्लाइम्ब द लैडर नॉट ओनली एज अ डायरेक्टर आज आप लोग सब लोगों ने उनके उनकी फिल्मोग्राफी देखी है उनके करियर्स कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँचे हैं और आज एक स्कूल खोला हुआ है इंटरनेशनल स्कूल विद जॉर्डन रिवर USA और ये ऐसे स्कूल्स की हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है बहुत लोगों ने स्कूल्स खोले हैं बहुत कम लोगों ने स्कूल्स खोले हैं विद इंटरनेशनल अफिलिएशन और हमारे राजू भाई ने आज एक बहुत बढ़िया स्कूल खोला हुआ है मेरी गुजारिश आप सबसे है जो भी कला के क्षेत्र में एंट्री करना चाह रहे हैं प्लीज़ इस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचना आपको पता आप लोगों के पास ढेर चॉइसेस होंगे स्कूल्स की बट आई एम वाउच फॉर राजू भाई बिकॉज एज अ डायरेक्टर ये बहुत सीनियर टेक्नीशियंस आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है और मेरी भी इच्छा है कि मैं मुझे मौका मिले जाके और क्या कहना चाहूँगा मैं बस आज हाँ आज जो राजू भाई ने उनके पास के बारे में नहीं उनका फ्यूचर और एक ऐसी चीज़ उन्होंने आज पेश की है लाभ मतलब मुझे एज एन एक्टर इतना फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसी कला मैंने कभी देखी नहीं और आज इन्होंने हमारे सामने ये कला पेश की है एज एन एक्टर मुझे आज वाकई बहुत सीखने मिला है जो इन्होंने पेश किया है लावनी जो शो इन्होंने परफॉर्मेंस की है लेडीज़ ने मतलब एज एन एक्टर मुझे बहुत सीखने मिला है आज और ये शुरुआत है राजू भाई के स्कूल की ये आपको ये लावनी के थ्रू भी ये दिखाना चाहते हैं कि इनके स्कूल ज्वाइन करके आपको क्या क्या कला से ये जुड़ाएंगे सिखाएंगे और फिल्म दुनिया का पूरी दुनिया आपके आगे खोलेंगे सो मेरी
दिलों तमन्ना है और मेरी विनती आप सबसे कि प्लीज़ इस स्कूल को प्रमोट कीजिए, जो भी कला के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं ये प्लीज़ इस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचें। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू एंड आई एम होपिंग टू सी यू ऑल सून इन दिस स्कूल। मेरा भी अभी तो ये टू अर्ली अनाउंस करने के लिए, बट मेरा मैं तीसरी पुश तो इंडस्ट्री में और मेरी चौथी पुश तैयार हो रही है एंड होपफुली राजू भाई विल बी देयर टू ट्रेन इन जो मेरी पुश तो मेरा बच्चा आने वाला है बहुत जल्दी, उसके बारे में एक साल डेढ़ साल में आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सर ने इतनी सारी बातें कही कैंडी होली रिवर के बारे में, इतने सारे अकेडमी है एक्टिंग अकेडमी, होली रिवर का क्या खासियत होगा सर उस बारे में? होली होली रिवर की खासियत यही है कि वो होली है, वो होली है और वो रिवर है और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त नॉन स्टॉप अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ आज तक खड़े थे, जो कभी भी कहीं भी आकर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये होली रिवर, इसका नाम, अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो एक कला क्या है, कला जैसे इन्होंने कहा लावणी, आज हमने हमारा सॉफ्ट लॉन्च है इस पर हमने लावणी रखी क्योंकि लावणी एक कला का बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है और चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं सो हमें जानना चाहिए, हमें अपनी धरती से जुड़े रहना चाहिए, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। जो आवाज़ अभी आप लोगों के कान में आ रही है ये आवाज़ आप लोगों की कहीं ना कहीं डीएनए में होगी, तभी आज मैंने जो कहा क्या मज़ा आ गया इनके एक्सप्रेशन देखकर। सो होली रिवर क्या है बेसिकली, होली यानी पवित्र, कला क्या होती है वो उसी तरीके से पवित्र होती है और एक कलाकार होता क्या है, वो रिवर की तरह होता है, जो टैंक हो गया वो टैंक हो गया, जो बह गई रिवर वो बह गई। और दूसरी बात एक है कि जैसे कला और कलाकार के भीतर क्या चल रहा है हमको पता नहीं चलता, उसी तरीके से एक नदी के भीतर क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता, पत्थरों से टकराती है, पेड़ों से टकराती है, कई रास्तों से होते हुए वो अपने समुद्र को तलाशती है, उसी तरीके से एक एक्टर एक अच्छे डायरेक्टर को तलाशता है। तो बहुत सारी समानताएं इस रिवर में और कलाकार में देखी गई मैंने। सो मुझे लगा कि अब वो टाइम है जब वन वर्ल्ड वन प्लेटफॉर्म वन टैलेंट है, तो इस होली रिवर को अब सारी सीमाएं तोड़कर बाहर जाना चाहिए, इतना टैलेंट हमारे भारतवर्ष में है तो उस टैलेंट को सारी सीमाओं को तोड़कर बाहर ले जाने के लिए हमने जॉर्डन रिवर यूनिवर्सिटी यूएसए से टाई अप किया और यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत बाहर से लाकर हमारे आगे आने वाले एक एक्टर को मुकम्मल एक्टर बनाने के लिए देने वाले, वो मुकम्मल है, उसे बस सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैं चाहता तो ये इंटरनेशनल स्कूल 20 साल 25 साल पहले भी खोल देता, बट 2014 में जब हमारी फिल्म को दादा साहब फाल्के ट्रॉफी अवार्ड मिला उस रात मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अवर ओन इंटरनेशनल स्कूल, टू गिव वन राइट डायरेक्शन, जो नए लोग आते हैं उनको सही डायरेक्शन मिले कि बॉलीवुड एक्टिंग क्या है, थिएटर से कितनी अलग है, क्या सीखना पड़ेगा, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द साइंस ऑफ दैट आर्ट इज नोन एज बॉलीवुड एक्टिंग, तो वो जानना पड़ेगा। सर इसके अलावा आप जो है सलमान खान के साथ भी काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो क्या सलमान खान फिल्म्स के साथ कोई कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि सलमान जो है नए चेहरों को कोलैबोरेशन देने में कोलैबोरेशन हो चुका। मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर अभी यहाँ भी मैं हूँ तो सलमान भाई के सेम अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से। मैं दबंग 3 की कास्टिंग कर रहा था, मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तभी हमारी दूसरी यूनिट बॉलीवुड अभिनय जो ऑनलाइन एक्टिंग सिखाती है, तो उनके 15 एक्टर्स ने दबंग 3 में काम किया था, इससे बड़ा कोलैबोरेशन और क्या हो सकता है। सुपर,
एंड थैंक्स टू प्रभुदेवा जी, किसी ने कोई सवाल नहीं किया और सारे के सारे 15 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे इन्होंने कहा, कितनी बड़ी कितनी इमोशनल बात है, ये देखिए कि ठीक है हम बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट इन्होंने क्या कहा कि मेरा एक बच्चा आने वाला है और मैं चाहूँगा कि वो नव भाई के अंडर सीखे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई लोगों के पास गया कि मैं ऐसी ऐसी इंटरनेशनल एकेडमी शुरू कर रहा हूँ। आपको पता है उन लोगों ने अपने बच्चों को एब्रॉड भेजने से रोक दिया कि पहले आप नव सर के अंडर सीखो, फिर जाना तो जाना, नहीं जाना है तो मत जाना। क्योंकि ये बेसिकली है क्या, ये इतने साल का अनुभव। सो यही है अपना होली रिवर और जो कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे थे, सो ऑलरेडी वो कोलैबोरेशन हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई है नव कुमार राजू के एक्टिंग स्कूल के इस कोलैबोरेशन को देखकर। मैं और नव बहुत पुराने मित्र हैं, मैं नागेश भोसले, राज शेट्टी, नव कुमार राजू, हम एक फैमिली जैसे हैं। हमने कई बार इनकी एक्टिंग स्कूल्स में वर्कशॉप्स किए हैं, तो जिस तरीके से नव भाई बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे एंटरप्राइजिंग भी है, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो स्टूडेंट से किस तरीके से अच्छा होगा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, एक्टिंग तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ एंटरप्राइजिंग भी है, इसलिए बहुत सारे एक्टिंग के पहलुओं के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। मैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में हमेशा इनके स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा। आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज इनका बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम आज इस आयोजन में आए हैं। सारी खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ही सक्सेसफुल और जानदार। नहीं, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो नाम में ही यू नो होलीनेस है, होली रिवर एक्चुअली समथिंग अबाउट नव जी, लाइक कितने वक्त से जानते हो उनको, आपकी शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल कहा, होलीनेस तो है, क्योंकि ये बंदा होली आदमी है, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। मैं भी जैसे गिरी जी ने कहा कि इतने पुराने मित्र हैं काफ़ी सालों से, और मैं तो एक फिल्म इनके साथ कर चुका हूँ और उसे अवार्ड भी मिला है, हमने तीनों ने की थी। कर चुका हूँ, ये डायरेक्टर भी है, तो मेरा अनुभव बहुत बढ़िया था। कमाल के डायरेक्टर भी हैं और खुद एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बता रहा तो हमारी फिल्म में इन्होंने काम भी किया था, तो हम सबकी बहुत शुभकामनाएं और हम लोग सब बहुत खुश हैं। और होली रिवर सर, जयपुर में आपका कोई कोलैबोरेशन होगा होली रिवर के साथ? जी हाँ, मैं जयबीम ऐप से कोलैबोरेशन करूँगा, क्योंकि मुझे जयबीम ऐप में हमेशा नए बच्चों की, नए टैलेंट की खोज होती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नए बच्चे, नए टैलेंट आते रहें, और इसमें होली रिवर इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें मैंने कई बार वर्कशॉप लेते हुए बहुत ही टैलेंटेड बच्चों का देखा है, जो गाते हैं, डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं। अब शॉर्ट वीडियो ऐप्स में होता ही है कि उनमें डांसेस चाहिए होते हैं, छोटे छोटे 10-15 सेकंड की वीडियोज़ होते हैं, तो ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। तो ऑब्वियसली आगे चल के हमारा और भाई का, यानी कि जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप का और होली रिवर इंटरनेशनल का कोलैबोरेशन जरूर होगा। इनके साथ काम करना मतलब है कि आप एज एन एक्टर तो बड़े बन रहे हो, बट इनको डायरेक्शन का भी साथ फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी। सर, व्हाट आर यू टू से नव भाई के बारे में? मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं होली रिवर के, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखेंगे, वो फिल्म मेकिंग के बारे में जो सीखेंगे नव भाई से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक्टर को सिर्फ अपने डायलॉग्स और एक्टिंग पे ध्यान तो देना ही चाहिए, बट अगर ओवरऑल जो नॉलेज नव भाई दे सकते हैं इन स्टूडेंट्स को, वो शायद ही किसी और टीचर से वो लोग इतनी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो दैट्स अ इट्स लाइक अ गोल्ड माइन फॉर
so I give him all the best. And lucky are those students who are going to take part in selling.